दोस्तों नमस्कार, राग रंजन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की चर्चा के लिए हमने एक लोकप्रिय राग चुना है, वो है राग पीलू, और मार्गदर्शन करेंगे श्रीमान रघुनंदन जी पणशीकर। सर, इस चर्चा में आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। आज की चर्चा के लिए जो राग हमने चुना है वो है राग पीलू। सबसे पहले तो इस राग में जो सुर, जिन सुरों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन सुरों के बारे में हमें बताइए। वैसे तो ये राग लोक संगीत से आया हुआ है, इसके लिए वैसे शास्त्रीय रूप में इसको बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन शास्त्रकारों ने जैसे बताया है, इसमें दो गांधार, दो धैवत, दो निषाद लगते हैं और बाकी सब स्वर शुद्ध लगते हैं। अच्छा, और इस राग के आरोह और अवरोह हमें समझा दीजिए। जी। नी सा ग म प नी सा नी द प द प म ग रे सा नी द प नी सा। इस राग का चलन किस प्रकार होता है? नी सा ग ग रे सा नी सा नी द प नी सा ग रे सा नी सा। और इस राग को गाने का जो समय शास्त्रकारों ने निर्धारित किया है वो क्या है? कोई शास्त्रकारों ने दोपहर के 12 के बाद ये राग गाना चाहिए ऐसे लिखा है, और कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि ये रात को गाना चाहिए। इतने सारे वैशिष्ट्य आपने हमें समझाए बताए, अब आप हमें क्या सुनाना पसंद करेंगे? इसमें एक ठुमरी है। जी। Shah
श्याम श्याम व्यापक तो एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर समय को लेके इतनी अगर मुक्तता है, इतना फ्रीडम है कि कुछ लोग कहते हैं दोपहर 12 के आसपास गाओ, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल उल्टे समय रात को गाओ, तो इसकी जो प्रकृति कहें, भाव प्रकृति, इसमें जो रस, जिस रस का निर्माण होता है या होना चाहिए, उसे लेकर भी कोई मान्यताएं नहीं होंगी? कुछ लिखा है शास्त्रकारों ने कि भाई ये इसमें से आना जरूरी है या आता है या आना चाहिए, ऐसे कुछ लिखा है? वैसे तो गांधार और निषाद का इसमें प्राबल्य है, तो करुण रस का इसमें इस्तेमाल होना या इसका भाव होना, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि स्वरों की जो जातियां हैं, जो नारदीय शिक्षा में जिस प्रकार से लिखा हुआ है, मृदु, मध्या, आयता, करुणा, दीप्ता, ये जो प्रकार से लिखा हुआ है, तो स्वरों की जो जातियां हैं, अगर हम सभी रागों को सभी शास्त्र लगा नहीं सकते हैं, तो इसमें अगर इसका प्रयोग किया जाए तो इसका हल निकल सकता है। कैसे, किस तरह से हल निकलता है? जैसे गांधार और निषाद है, और जाति अगर करुणा मान ले, तो करुणा जाति में इसका अगर इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये सब शास्त्रकारों ने प्रयोग करके सिद्ध करने की बात है, अनुभव के आधार पर। जी, तो समझ लीजिए हमने इसके दो वक्त तय किए, एक कुछ लोगों का जो कहना है कि दोपहर 12 के आसपास, कुछ लोगों का कहना रात, तो रात वाले जो लोग हैं
उनके हिसाब से इसका शायद श्रृंगार रस हो, और दोपहर वाले जो है वो कुछ अलग तरीके से इसे देखते हो, तो इसमें भक्ति और श्रृंगार ये दोनों आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि भक्ति और श्रृंगार जो है वो जिसको हम बोलते हैं कि एक ही कॉइन के एक दो बाजुए हैं, अगर एक ही भाव प्रियकर और प्रेयसी के लिए यूज किया जाए तो वो श्रृंगार हो गया, अगर वो ही भक्त और परमेश्वर इसके बीच में जो नाता है उसको हम भक्ति कह सकते हैं। और इन दोनों को जोड़ने वाला एक और कॉमन डायमेंशन है वियोग या बिरहा जिसे कहें। बिल्कुल, या तो भक्त का परमेश्वर से बिछड़ना हो या फिर बिल्कुल प्रियतमा का अपने प्रिय। तो शायद इसीलिए जो गीत अभी याद आ रहे हैं बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा तादाद में पीलू का इस्तेमाल हुआ है, जो याद आ रहे हैं उनमें इन तीन या चारों में से ही किसी एक भाव का अनुभव मिलता है। अब इस राग की जो क्या कहें जादू इस राग का जो चला है हमारे संगीत दुनिया में, अनगिनत लोगों ने इस राग को चुना है अपने धुने बनाने के लिए, और इतनी सारी धुने हैं कि एक प्रोग्राम में बिठाना तो नामुमकिन है, लेकिन कुछ जो इस वक्त याद आ रहे हैं दो दो एक एक लाइनें एक के बाद एक मैं बताता हूँ। चाहे तो मोरा जिया लैले सावरिया, चाहे तो मोरा जिया लैले फेर के नैना नजा नजा में वारी रसिया, चाहे तो मोरा जिया लैले छा गए बादल नील गगन पर, धुल गया कजरा सांझ ढले, धुल गया कजरा सांझ ढले, मेरी जान तुम पे सद पे एहसान इतना कर दो, फिर ठेस लगी दिल को फिर याद ने तड़पाया, जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आ। ये जहारा का फिर जहां आरा का गीत है। उमरे सैया जी उतरेंगे पार हो नदिया, ये तो खैर एक पुरानी ठुमरी से शायद लिया हुआ है, उड़न खटोले में गाना नौशाद साहब ने लिया था, फिर नौशाद साहब ने भी काफी इसे इस्तेमाल किया। झूले में पवन के आई बार, नैनों में नया रंग लाई बार, प्यार चल के हो प्यार चल के, जब रात है ऐसी मत वाली फिर सुबह कालम क्या होगा, फिर सुबह कालम क्या होगा, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। ये भी एक मुगल आजम की कवाली है। फिर दगाबाज तोरी बतिया ना मानूर, ये गंगा जमुना का गीत था। घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे याने, चंदन का पलना रेशम की डोरी झूला झूलाए निंदिया को तोरी, चंदन का पलना। ये गुलाम मोहम्मद ने बनाई हुई एक धुन थी दो गुंडे फिल्म के लिए। भीगी पल के उठा मेरी जाम नकल, दिन जुदाई के ये भी गुजर जाएंगे, भीगी पल के उठा। इसी उपलक्ष में मुझे याद आ रहा है कि अख्तरी जी बेगम अख्तर उनकी एक रचना है, मैं सुनाता हूँ। गजल गजल गजल
दूर है मंजिल राहे मुश्किल आलम है तन्हाई का। क्या बात है। दूसरा और भी एक याद आ रहा है, बड़े गुलाम अली खान साहब की जो रचना है उनकी जो ठुमरियां हैं मैं सुनाता हूँ। सैया बोलो तनिक मुँह से रे ओ न जाए, सैया बोलो कटे ना बिरहा गिरा। ये भी मेरे ख्याल से इसी टाइप से बिल्कुल है। फिर वो एक कवाली उस वक्त भूल गया मैं, अब याद रही, रवि साहब ने बनाई हुई, खैर है तो वो मध्यम में लेकिन अभी इसी सुर में। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जी तो करता है कि और कई सारे गीत हम सुने, पर समय की पाबंदी जरूर है। सर आपने हमें जो मार्गदर्शन दिया तहे दिल से शुक्रगुजार तो है ही। इस कार्यक्रम के समापन में आप हमें अब क्या सुनाना पसंद करेंगे? एक बहुत ही बेहतरीन नाट्यपद नाट्य गीत जो है मैं आपको सुनाता हूँ, देहाता शरणागता। ये मराठी है? जी हाँ। अच्छा, मराठी नाट्यपद है, फिर भी हमें विश्वास है कि ये सुनने वालों को मतलब परिचित होगा, परिचित होगा, या जिन्हें नहीं है उन्हें वो भा जाएगा, वाकिफ हो जाएंगे। बिल्कुल सही जी। जी देहाता शरणागता, देहाता शरणागता, नदगता पंकयुता मुख मलिनाधना, मद विलसित नदगता पंकयुता मुख मलिनाधना, हो त्राता शरणागता, संपदा चपल चरणा, 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 संपदा चपल
Sita nadagata